एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। देखो इस क्वेश्चन में आपको अलग से कोई भी डायग्राम बना हुआ नहीं दिख रहा है, डायग्राम आपको खुद को ड्रॉ करना है और डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है इसका इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में बता दिया है। सबसे पहले आपको एक एंगल ड्रॉ करना है 64 डिग्री का और इस एंगल का नाम होगा एक्स वाई जेड। इसके बाद इस एंगल में जो एक्स वाई रे होगा उस रे को आपको एक्सटेंड करना है। अब एक्सटेंड करोगे तो किस हद तक एक्सटेंड करना है, कितने सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करना है ये नहीं दिया हुआ है, बस आपको एक्स वाई को एक्सटेंड करना है और एक पॉइंट वहां पर बना लेना है, पॉइंट पी। ये फिगर आपका ड्रॉ हो गया। इसके बाद में यहां पर आपको एक चीज बोला है कि वहां पर एक एंगल बनेगा जेड वाई पी। अब इस जेड वाई पी में एक वाई क्यू बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। एक रे होगा जो वाई से लेकर क्यू तक जाएगा और वो जो रे है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, यानी कि एंगल जेड वाई पी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यहां पर आपका डायग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इस डायग्राम कंप्लीट करने के बाद में आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई क्यू का मेजरमेंट कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का मेजरमेंट कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के सारे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एंगल बनाना है 64 डिग्री का। सपोज ये एंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एंगल हो गया 64 डिग्री का। अब इसका नाम भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका नाम है एक्स वाई जेड। तो ये पॉइंट हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो एक्स वाई है इसको आगे एक्सटेंड कर लो पॉइंट पी तक का। कितने सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकते हो। मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं यहां तक, ठीक है, ये आ गया पॉइंट पी। इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये जो एंगल है जेड वाई पी, ये एक एंगल बन रहा है। इस एंगल के बीच में वाई से लेकर क्यू तक का एक रे आपको ड्रॉ करना है जो कि एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये जो वाई क्यू होगा ये इस दो बड़े एंगल को जेड वाई पी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये पॉइंट है क्यू, ठीक है। तो ये वाई क्यू रे ड्रॉ हो गया जो कि एक्स वाई पी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल जेड वाई क्यू और ये वाला एंगल क्यू वाई पी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैं यहाँ x तो नहीं दे सकते, p भी दिया हुआ है, मैं a दे देता हूं, ये नाम है a, तो ये भी हो जाएगा a, ठीक है। अब आपको यहां पर दो चीज फाइंड आउट करना है, एक फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये वाला जो बड़ा एंगल है इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स क्या होता है, ये आपका एंगल है, अब इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो इसके बाहर का जो एंगल है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो क्यू वाई पी ये एंगल है, इसके बाहर का एंगल यहां से स्टार्ट होके पूरा कंप्लीट यहां तक आएगा। इसको फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता है, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है। 360 डिग्री में से इस एंगल का जो मेजरमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको भी पता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैं जो तरीका बताऊंगा अगर आपको इजी लगता है तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लाइन से एक्स वाई पी से, इन लाइन एक्स वाई पी। इस लाइन में आप देखोगे तो बहुत सारे एंगल है, पहला एंगल है एक्स वाई जेड, दूसरा एंगल है जेड वाई क्यू और तीसरा एंगल है क्यू वाई पी, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं इन इस लाइन में तीन एंगल है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी। अब इन सब का जो सम है वो होगा 180 डिग्री का, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ब्रैकेट में आप लिख लोगे लीनियर पेयर, ठीक है।
अब यहां पर आप देखो, ये जो दो एंगल है ए, ये दोनों एंगल सेम मेजरमेंट के हैं, तो मैंने इनको नाम दिया है ए। तो इसको और इसको जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, इन दोनों को मैं ए से रिप्लेस कर सकता हूं, ए प्लस ए। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक्स वाई जेड का मेजरमेंट 64 डिग्री है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 64 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको यहां पर मेंशन जरूर करना है कि यहां पर आप दोनों जगह ए क्यों ले रहे हो, क्योंकि वाई क्यू जो है वो एंगल बाइसेक्टर है जेड वाई पी का। आप लिख लो वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो जब ये बाइसेक्ट कर रहा है इस बड़े एंगल को, तो ये एंगल और ये एंगल का मेजरमेंट सेम होगा, जिसको हमने ए मान लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा 64 डिग्री प्लस ए हो गया 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 64 डिग्री को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, क्योंकि यहां पर प्लस में था वहां जाके माइनस। 2a इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 4 हो गया पहले 6, 7 माइनस 6 हो गया 1, और ये 1 माइनस 0 1, 160 डिग्री। a इज इक्वल टू 2, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड जाके डिवाइड, 116 डिवाइडेड बाई 2, 21 जा 2, 25 जा 10, यहां बच गया 116 हो गया, 28 जा 16, a का वैल्यू आ गया 58 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये भी 58 डिग्री का हो गया, और ये एंगल भी हो गया 58 डिग्री का। तो अब देखो यहां पर हम लोग को जो मेन फाइंड आउट करना था, एंगल एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई क्यू ये एंगल कब बनेगा, जब एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू करेंगे। तो कर लेते हैं यहां पर, नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। दोनों का मेजरमेंट अपने पास है, एक्स वाई जेड का मेजरमेंट 64 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू का वैल्यू ए था जो हमने फाइंड आउट किया अभी 58 डिग्री। ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 4 हो गया 12, 5 प्लस 1 6 और 6 12, तो ये हो गया 122 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये बड़ा एंगल एक्स वाई क्यू, ये आ गया 122 डिग्री। तो एक चीज अपना फाइंड आउट हो गया। एक और चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। तो क्यू वाई पी 58 डिग्री हमने फाइंड आउट किया, इसका रिफ्लेक्स एंगल मतलब इसका जो बाहरी आउटर एंगल है वो चीज। तो कैसे फाइंड आउट होगा, नाउ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल क्यू वाई पी को। ठीक, तो 360 माइनस क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का मेजरमेंट 58 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 8 हो गया 2, 5 माइनस 5 हो गया 0, 3 माइनस 0 हो गया 3, 302 डिग्री। तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल है ये बाहर वाला, वो होगा 302 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे।